हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? देखिए क्या दिख रहा है आपको, ये है ना कुछ ऐसी चीज जिसे आप जानते हैं आजकल यूट्यूब पे बहुत छाई हुई। तो ये है गाइस, तरबूज के छिलकों को मैंने ग्रेट किया हुआ है। तो ग्रेटर के अंदर मैंने इस तरह से तरबूज के छिलकों को मोटी वाली जगह से ग्रेट कर लिया था। तो मैंने सारे के सारे छिलके ग्रेट करके व्हाइट पोर्शन, ग्रीन पोर्शन ही इस कुकर में डाल दिए। और अभी मैं इनको एक सीटी देने के लिए जा रही हूँ। और आप देख सकते हैं इसमें मुझे पानी नहीं डालना है 1% भी। इसी पानी के अंदर वो पक जाएंगे। तो बताती हूँ मैं आपको एक क्या रेसिपी बताऊंगी अभी थोड़ी देर में कि मैं क्या बनाने जा रही हूँ। तो ये देखिए, मैंने इसको प्रेशर कुकर में एक सीटी के बाद 2-3 मिनट इसको ऐसे सिम पे रखा था। तो अब इसको देख लीजिए, ऐसे हो जाएगा। तो अब मैं ये सरप्राइज खोलने वाली हूँ कि मैं क्या बनाने वाली हूँ उससे। तो मैं बनाने वाली हूँ रायता, वो भी आलू के पराठे के साथ। आज मैंने सोचा सुबह सुबह मैं इसका रायता बनाती हूँ और साथ में आलू का पराठा। तो उसके लिए मैंने ये दही लिया है, जिसको मैंने इस तरह से देखिए बिल्कुल इस तरह से फेंट लिया है। और आप देख सकते हैं कि आपके सामने मैंने इसमें पानी नहीं डाला था और कितना सारा पानी है। इस पानी को आप यूज करेंगे, इसको आपने इसमें डाल दिया। और साथ में आपने इसके अंदर कर्ड डालना है, कर्ड। तो देखिए मैं इसके अंदर कर्ड डाल रही हूँ, बहुत ही थिक है इसलिए मैंने पानी मिक्स कर लिया था। ये देखिए, इसको आपने ऐसे मिक्स कर लेना है। क्या करना है, अब आपने जो ये आपका बॉईल किया हुआ तरबूज का छिलके का ग्रेट किया हुआ ये सामान है, इसको आपने डाल दें जितनी रिक्वायरमेंट है। एक बार मिक्स करके देख लेते हैं। आज जो मैं ये बनाने जा रही हूँ, आप देखना बना के, ये भी बहुत हेल्दी डिश है और राजस्थान की फेमस डिश है। देखिए अभी मैंने इसमें क्या क्या डालना है। पहले मैंने इसके अंदर थोड़ा काला नमक स्वाद अनुसार, चाट मसाला ये अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। और उसके बाद हम इसमें डालेंगे भुना हुआ जीरा, ये हींग को मैंने पीस लिया था और हींग ऑप्शनल है, मुझे अच्छी लगती है इसलिए मैं डाल रही हूँ। आप चाहे तो ना भी डाल सकते हैं, सब टू यू। और इसमें डालने जा रहे हैं इसे गार्निश करने के लिए हरा धनिया। तो देखिए कितना ही सुंदर लग रहा है और कितना हेल्दी लग रहा है। और एक चीज और आपको बताना चाहती हूँ, तरबूज के छिलके के अंदर भी एक अपना टेस्ट होता है, आप इसको बनाइए, आपको बहुत डिफरेंट लगेगा और बहुत अच्छा लगेगा। और गर्मी के मौसम में इसे ठंडा ठंडा करके खाइए तो भी आपको बहुत खाने में बहुत टेस्टी लगेगा। और आप चाहे तो इसको परांठे पूरी के साथ किसी के साथ भी खा सकते हैं। तो जल्दी जल्दी जाइए आप भी, आज सुबह सुबह परांठे बना लीजिए और साथ में रायता डाल दीजिए और बच्चों के लिए रेडी कर दीजिए। और मुझे बताइए आप कि आपको मेरा बनाया हुआ ये तरबूज के छिलके का रायता कैसा लगा, मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिए। और अगर आपको मेरी कोई और रेसिपी भी चाहिए तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में आके मुझे बता सकते हैं, मैं आपके लिए जरूर वो रेसिपी बना के अपने चैनल पर डालूंगी। और बेल बटन बजाना ना भूलिए ताकि मेरी आने वाली वीडियोस का आपको टाइम टू टाइम पता चलता रहे और आप भी कुछ कुछ चीजें ट्राई करते रहो और अपने घर वालों और बच्चों को खुश करते रहो। तो चलिए मिलते हैं मेरी अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।